हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारा RRTS की सेकंड वीडियो में। चैनल का नाम है HR अरविंद ब्लॉग्स और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि हमारी एक बहुत ही देश की बड़ी रेल प्रोजेक्ट, रैपिड रेल प्रोजेक्ट है, दिल्ली से गुड़गांव होते हुए अलवर तक का रैपिड रेल। उसका जो एग्जैक्ट अलाइनमेंट है वो गूगल अर्थ पे कैसा दिखता है, कहाँ से होके गुजरेगा, कितना अंडरग्राउंड होगा, कितना ओवरग्राउंड, कहाँ पे उसका एग्जैक्ट स्टेशन होगा, एग्जैक्ट स्टेशन उसका जो अलाइनमेंट है जो कि पास हुआ है वो क्या है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। पहले वीडियो में दोस्तों हम कवर कर चुके हैं हमारा दिल्ली का जो भी जितना भी सेक्शन है दिल्ली राजधानी का, वो सारा अंडरग्राउंड है। तकरीबन ये 20 किलोमीटर के आसपास का सेक्शन है, 20 से 22, और आप देख सकते हैं ये सारा का सारा रेड जो है ये सारा अंडरग्राउंड रहेगा और ये दिल्ली का है। यहाँ पे आप एयरपोर्ट देख पा रहे हैं, ये मैं पहली वीडियो में कवर कर चुका हूँ, इसका डिटेल पार्ट आप उसको देख सकते हैं, लिंक आपको साइड में मिलेगा। और अब हम जो बात करने वाले हैं वो है गुड़गांव सेक्शन की, जो सेकेंड सेक्शन है इस प्रोजेक्ट का। तो गुड़गांव में दोस्तों ये ऑलमोस्ट ओवरग्राउंड है और जो गुड़गांव में आता है ये आप देख सकते हैं, ये है गुड़गांव की एंट्री, यहाँ तक ये अंडरग्राउंड है दिल्ली में, ये उद्योग विहार का सेक्शन आ जाता है और यहाँ से ये ओवरग्राउंड हो जाता है। ये जो आप देख पा रहे हैं इस कलर में, स्काई ब्लू कलर में, ये ओवरग्राउंड यहाँ से टनल से बाहर आएगा और यहाँ पर ये ओवरग्राउंड हो जाएगा। तो लाजमी बात है जो यहाँ पर ये आपके जो ट्रीज दिख रहे हैं आपको, इनको हमें यहाँ से ट्रांसप्लांट करना होगा और आप देख सकते हैं कि इसका ये पैरेलल रहेगा हमारे NH8 को लेके। NH8 से इसकी जो दूरी रहेगी वो रहेगी तकरीबन 1.5 किलोमीटर, आप देख पा रहे होंगे 1.6 किलोमीटर की इसकी ये दूरी है NH8 से, और ये इसका गुड़गांव बॉर्डर है। आप यहाँ से जो दिल्ली से लोग गुड़गांव की तरफ आते होंगे उनको ये पता होगा, ये हमारा गुड़गांव बॉर्डर है और यहाँ पर हमारा रैपिड रेल की ये जो ट्विन टनल्स है ये गुड़गांव में एंट्री लेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि गुड़गांव में इनका रैपिड रेल का स्टेशन कहाँ पे आने वाला है। तो गुड़गांव में आप ये देख सकते हैं ये इसका अलाइनमेंट होगा, यहाँ पे ये हाउसिंग सोसाइटी है, इस हाउसिंग सोसाइटी से ये रोड के मीडियन आप देख सकते हैं रोड के बीचों बीच से होता हुआ ये अलाइनमेंट जाएगा और ये हम चल रहे हैं। और इसका जो पहला स्टेशन है उद्योग विहार, गुड़गांव का जो पहला स्टेशन है वो उद्योग विहार होगा, वो बनेगा यहाँ पे। आप देख सकते हैं आसपास काफ़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, तो लाजमी सी बात है कि इन हाउसिंग सोसाइटीज़ को बहुत फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पे गुड़गांव का पहला ओवरग्राउंड स्टेशन रैपिड रेल का बनने वाला है, ये इसका एग्जैक्ट अलाइनमेंट है, उद्योग विहार में ये बनेगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे काफ़ी बड़ा मारुति का प्लांट है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मारुति के प्लांट से बिल्कुल पास में, और फिर ये दूसरा आपका उद्योग विहार से सीधा अलाइनमेंट चलता रहेगा। आप देख सकते हैं और फिर ये यहाँ से टर्न ले लेगा और जो दूसरा स्टेशन बनेगा गुड़गांव के अंदर वो भी ओवरग्राउंड होगा, वो होगा आपका सेक्टर 17 में, ग्रीन बेल्ट के पास ये स्टेशन बनेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं सेक्टर 17 में ये प्रपोज स्टेशन है और रोड के ग्रीन बेल्ट की साइड में ये स्टेशन बनने वाला है और यहाँ से फिर ये आपका स्टेशन, ये आपका NH8 जो 8 है यानी कि दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे, उसकी तरफ आ जाएगा सेक्टर 17 से। यहाँ से ये सीधा आपका स्ट्रेट चलेगा जयपुर की तरफ। जो आमतौर पे जो स्टेशन्स रहेंगे वो 3 से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे रहेंगे। आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट स्टेशन होगा हमारा गुड़गांव में वो होगा राजीव चौक पे। तो जो राजीव चौक पे जो स्टेशन होगा वो बिल्कुल राजीव चौक पे नहीं होगा, आप देख सकते हैं वो राजीव चौक से थोड़ा सा पहले है,
और वो स्टेशन यहाँ पे होगा, साइड में ही बनेगा ओवरग्राउंड, जितना भी जो ब्लू कलर से मार्क्ड है सारा ओवरग्राउंड ये स्टेशन बनेंगे। अंडरग्राउंड मोस्टली दिल्ली में ही है। ये आपका राजीव चौक आ गया, तो राजीव चौक से जस्ट पहले ये स्टेशन बनेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं राजीव चौक से आगे फिर से जो अलाइनमेंट है वो अंडरग्राउंड हो जाता है, उसके लिए ट्विन टनल्स बनाए जाएंगे और ये पैरेलल रहेगा हमारे NH8 के। ये आप देख सकते हैं घरों के नीचे से हमारी ये टनल बोरिंग मशीन टनल बना के जाएगी। इन दोनों टनल्स के बीच में जो दूरी रहेगी वो रहेगी ऑलमोस्ट 20 मीटर की, और काफ़ी नीचे ये टनल बनाए जाएंगे तो स्ट्रक्चर्स को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, काफ़ी सेफ्टी के साथ ये बनाए गए हैं। दिल्ली मेट्रो पे भी, दिल्ली मेट्रो में भी ऐसे ही काम हुआ है, काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से जाती है उनके टनल्स और आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो राजीव चौक के बाद जो सीधा स्टेशन होगा वो हमारा होगा तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे, वो होगा हमारा खेड़की ढोला टोल प्लाज़ा के पास। खेड़की ढोला काफ़ी प्रसिद्ध नेम है लोगों के लिए, टोल प्लाज़ा है जो कि अल्टीमेटली जैसे ही द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू होगा, तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों इसकी जो लोकेशन है ये है द्वारका एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज। यहाँ से आप जाते हैं SPR रोड की तरफ, यहाँ से ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे है, ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू हो जाता है और बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज पे ये अंडरग्राउंड स्टेशन हमारा रैपिड रेल का आने वाला है। तो जितनी भी जो हमारी सोसाइटीज़ हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास, ये सेक्टर 83, 84 आ जाता है, ये 83 है, ये 84 है, 82 है, बिल्कुल उसके पास ये स्टेशन प्रपोज्ड है। यहाँ पे TCS का बहुत बड़ा कॉर्पोरेट पार्क है, आप बिल्कुल देख सकते हैं, तो उसके भी बिल्कुल पास में ये स्टेशन बनेगा, बिल्कुल साथ ही लगता हुआ ये स्टेशन प्रपोज्ड है जो कि ऑलमोस्ट फाइनल अलाइनमेंट है। ये सारा का सारा अंडरग्राउंड है दोस्तों, और यहाँ से फिर हम आ जाते हैं आपका खेड़की ढोला टोल प्लाज़ा। ये खेड़की ढोला टोल प्लाज़ा जैसे ही द्वारका एक्सप्रेस वे नेक्स्ट ईयर शुरू होगा इसको हटा दिया जाएगा और यहाँ से फिर ये ओवरग्राउंड आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये हमारा न्यू गुड़गांव भी जिसे हम कहते हैं सेक्टर 83, 85, 90, 95 उसका इलाका है। यहाँ पे ये ग्रैंड हयात होटल है और ये इस साइड चलेगा और ये ओवरग्राउंड रहेगा। अब हम चल रहे हैं मानेसर की तरफ। तो जो सबसे पहला स्टेशन मानेसर में बनने वाला है वो हमारा फिर से अंडरग्राउंड स्टेशन होगा। यहाँ पे ये ओवरग्राउंड रहेगा, यहाँ से फिर अंडरग्राउंड हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ तक तो ये रहा ओवरग्राउंड और ये हो गया आपका अंडरग्राउंड। मानेसर का जो स्टेशन है वो अंडरग्राउंड होगा, आसपास की जो सोसाइटीज़ में लोग रहते हैं वो देख सकते हैं कि ये एक स्टेशन कहाँ पे बनेगा। आपको एग्जैक्ट पॉइंट मैं दिखा देता हूँ, ये इसका अंडरग्राउंड स्टेशन ये मानेसर में बनने वाला है। तो मानेसर के लोगों के लिए आना जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। मानेसर से फिर सीधा ये अंडरग्राउंड होके जो जाएगा ये फिर से ओवरग्राउंड हो जाता है दोस्तों, ये दिल्ली की जो अरावली पहाड़ियाँ हैं उसके नीचे से होते हुए जाएगा, ये फिर से यहाँ पे ओवरग्राउंड हो गया और ये हमारा NH8 की तरफ आ गया। और जो नेक्स्ट जो मेन स्टेशन बनेगा वो बनेगा पंचगांव में। तो आप देख सकते हैं ये पंचगांव में स्टेशन बन रहा है, ये ओवरग्राउंड स्टेशन बनेगा। हरियाणा गवर्नमेंट ने यहाँ पे पंचग्राम शहर बनाने की भी योजना बना रखी है। ये हमारा है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टेशन बनेगा और अब यहाँ से ये अलाइनमेंट दोस्तों सारा हमारा SNB कॉरिडोर तक ये सारा हमारा ओवर द ग्राउंड है।
दोस्तों ये जो हमने सेकंड वीडियो देखी, हम गुड़गांव सेक्शन को कवर करने के लिए हमने पंचग्राम तक ही इसको रखते हैं, और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी परियोजना है और इतनी फास्ट ये ट्रेन होगी कि यहाँ पंचगांव से अगर किसी को SNB सरायकले खां जाना है तो मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर वह व्यक्ति इन ट्रेनों में बैठ के अपने गंतव्य पे पहुँच जाएगा। सो, आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको मैं डिटेल में जो प्रॉपर्टी के, जिन लोगों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे करना चाहिए न्यू गुड़गांव में, उससे भी हम एक प्रॉपर्टी सीरीज़ पे रिसर्च करके प्रॉपर्टी सीरीज़ के ऊपर वीडियो लेके आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड और फाइनल पार्ट है अलाइनमेंट का, जो कि पंचगांव से SNB जो इसका फाइनल स्टेशन होगा, उसके बारे में बात करेंगे। और तब तक के लिए आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई आपका सजेशन हो, कोई डाउट हो, प्लीज़ हमें कमेंट करें। वील डेफिनेटली ट्राई, आर टीम विल डेफिनेटली ट्राई कि आपको जल्दी से जल्दी रिवर्ट मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।